जी जी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी भाइयों का हमारे चैनल पर। और देखेंगे आज एक और नई जानकारी। और आज की जानकारी दोस्तों होगी रोग मुक्ति के लिए, रोग से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, कौन सा यंत्र बनाना है और किस मंत्र का इस्तेमाल करना है जिससे कि हमें रोग से छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों कर लें चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहें आप इसी प्रकार नई नई जानकारियाँ आपके सामने जल्दी से जल्दी हम अपलोड कर रहे हैं, और जिससे आप घर बैठे सभी समस्याओं से समाधान पा सकें। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का अगर रोग है तो हर इंसान कोशिश करता है तमाम तरह के उपचार करने की, लेकिन फिर भी रोग से छुटकारा नहीं मिलता है। तमाम उपचार करने के बाद एलोपैथिक आयुर्वेदिक ऐसे सभी तरह के उपचार करते हैं, तो जब हमें रोग से मुक्त नहीं हो पाता तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा टेंशन होता है कि इसको आप किस तरीके से हमें ठीक करना है। तो रोग मुक्ति के लिए आपको हम दो उपाय बताने वाले हैं कि जो भी आप दवा कर रहे हैं, किसी भी तरह की औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप करते रहें, पर लेकिन साथ में इस को साथ और अपना लें यंत्र और मंत्र को, जिससे कि आपको जल्दी उसमें सहयोग मिलेगा और जल्दी आप ठीक हो सकते हैं, रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये सामने जो यंत्र दिख रहे हैं, इस यंत्र को बनाना है और वो भी शुक्रवार के दिन। तो सुबह आपको किस तरीके से बनाना है, सुबह नहा धो करके पवित्र अवस्था में आकर के और अपने इष्ट देव के सामने बैठ कर के धूप दीप जलाते हुए, और एक भोजपत्र का साफ सा आपको टुकड़ा लेना है। और दोस्तों आपको केसर की स्याही बनानी है, अगर केसर की स्याही आप नहीं बना पा रहे हैं तो घी सिंदूर से भी भोजपत्र पर इस यंत्र को बना सकते हैं। जब आपका यंत्र बनके तैयार हो जाएगा तो उसको धूपित करते हुए, दीप जल रहा है तो इष्ट देव का ध्यान करते हुए उसे फोल्ड करके वाटर प्रूफ कर लें, कोई पॉलीथीन या कोई टेप चढ़ा दें जिससे कि आपको नहाने धोने में ये यंत्र ख़राब ना हो। तो जब दोस्तों आपका ये यंत्र बनके तैयार हो जाता है तो आप भुजा में या गले में पहन सकते हैं। अगर तो इस प्रकार दोस्तों जब आपका यंत्र बन के तैयार हो जाता है तो इसे बाजू या गले में पहन सकते हैं, जिससे कि आपको इसमें सहयोग मिलेगा और रोग मुक्ति से आपको जल्दी छुटकारा मिल सकता है। अब इसी के साथ दोस्तों ये सामने जो आप मंत्र देख रहे हैं, इस मंत्र को नियमित आपको प्रतिदिन सुबह नहा धो करके तो दोस्तों इसका जाप करना है। आप जितना इसमें जाप करेंगे उसमें आपको उतनी सहूलियत मिलेगी, और इस जाप को तब तक करते रहें जब तक आप रोग से छुटकारा नहीं पा लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप सुबह जब भी इस मंत्र को करेंगे तो माँ का ध्यान करना है, माँ दुर्गा जी का ध्यान करते हुए पूर्ण मन को एकाग्र करते हुए, और आपको साफ साफ मंत्र बोलना है। कहने का मतलब जल्दीबाजी में आपको मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, धीरे धीरे आराम से एक एक शब्द करके बोलेंगे तो मंत्र में त्रुटि नहीं होगी और उसका प्रभाव भी आपको अच्छा महसूस होगा। पर लेकिन इसको आपको नियमित करना है जब तक आप रोग से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि आप इस यंत्र के पहनने से और इस मंत्र के जाप क्रिया से जो असाध्य रोग हैं उनसे भी आप लाभ ले सकते हैं। कभी कभी रोग ऐसे होते हैं कि दोस्तों जब हमें डॉक्टर भी मना कर देते हैं, भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, तो हमें ऐसे उपचार करने चाहिए क्योंकि सफलता मिल सकती है, और सफलता लेना अपने हाथ में होता है। आप जैसी मेहनत करेंगे, जैसी कोशिश करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो मैं आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और अपने लोगों को शेयर भी करते चलें। अगली जानकारी फिर कोई हम नई नई सामने लाते हैं, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।